बारांछिपा बड़ौद कस्बे के ढोलम चौराहे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बारां झालावाड़ लोकसभा प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया के पक्ष में आयोजित हुई आम सभा में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर कोसा। साथ ही बताया कि भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी कांग्रेस के नेताओं पर जबरन दबाव बनाकर उन्हें या तो कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर करती है या फिर उन्हें झूठे मुकदमों के जाल में फंसाकर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल कर लेती है। उन्हें भाजपा की वॉशिंग मशीन में होकर निकाल लेते हैं, जिसके बाद उन्हें भाजपा ही भाजपा दिखाई देती है। छिपा बड़ौद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष को गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, पूर्व मंत्री अशोक चांदना, विधायक चेतन पटेल, खानपुर विधानसभा सुरेश गुर्जर ने बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 51 किलो के फूलों की माला से कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मशीन में दूर जाता है एकदम। कब तक चलेगा ये? दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड लूट लिया देश को, 8.5 करोड़ इकट्ठा कर लिया, धमकी दे देकर, धमकी दे के CBI की, इनकम टैक्स की, ED की धमकी देकर पैसे ले लिए और वो प्रधानमंत्री सफाई देते हो घूमने। अब तो कांग्रेस खाते बंद कर दिया, कोई व्यापारी है छोटा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।